दो दिन पहले एक रेल यात्री के मोबाइल पर हाथ साफ करने वाला आरोपी मंगलवार को पकड़ा गया। इस आरोपी को आरपीएफ थाने लाया गया। उसके साथ जब टीम ने तस्वीर खिंचवाई तो एक हाथ कमर पर और एक में मोबाइल पकड़े हुए आरोपी ने बड़ी स्टाइल में फोटो खिंचवाई। विगत 10 अप्रैल को मुख्य द्वार के पास वाशिम जिले के इराला गाँव निवासी 18 वर्षीय शरद सुभाष वानखेड़े एनडीए की परीक्षा देने के लिए नागपुर आया था। रात का समय होने के चलते वह गेट के पास ही खाली जगह पर सो गया। देर रात किसी ने उसकी जेब से 13,000 रुपए कीमत का मोबाइल चुरा लिया। शरद ने जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद आरपीएफ निरीक्षक आरएल मीणा के निर्देश पर संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज निकालकर आरपीएफ के ग्रुप में डाला गया और टीम उसकी तलाश में जुट गई। 12 अप्रैल को सीसीटीवी में संदिग्ध को देखा गया। इसके बाद आरक्षक धीरज दहिया, आरक्षक आशीष कुमार और प्रधान आरक्षक मोहम्मद इलियास अंसारी की मदद से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रात 3:15 पर आरोपी को घेर कर पकड़ लिया गया। आरोपी ने अपना नाम रवि भरत नलवाड़े, उम्र 33 वर्ष, निवासी हाउस नंबर 2470 अमरावती रोड शिवाजी नगर वर्धामना बताया। नागपुर रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ टीम को श्रीमान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है कि अभी यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, ट्रेनों में भीड़ बढ़ने के कारण कुछ यात्रियों के सामान चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही है, इसलिए सभी ड्यूटी स्टाफ को निर्देश किया गया है कि अपनी ड्यूटी में सतर्क रहकर यात्रियों की सहायता करें और जो संदिग्ध कोई भी दिखता है स्टेशन प्रीमाइसिस में उनको चेक करें और यात्रियों की समस्या का समाधान करें। इसी क्रम में लगातार ड्यूटी करते हुए दिनांक 9/4/2022 को रात्रि ड्यूटी में गश्त के दौरान एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर संदिग्ध अवस्था में मिला, जिसको शिफ्ट इंचार्ज उप निरीक्षक सचिन दलाल, ड्यूटी स्टाफ धीरज दहिया और राजकुमार के साथ में पकड़कर पूछताछ करने पर उसके पास एक मोबाइल मिला, जिसके बारे में उससे पूछताछ करने पर उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और स्टेशन प्रीमाइस से चोरी करना बताया, इसलिए उसको पूछताछ करके अगली कार्यवाही जीआरपी को सुपुर्द किया गया, जहां उसके खिलाफ गुना रजिस्टर नंबर 235/2022 ~379 का मामला पंजीकृत किया गया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।